नमस्कार दोस्तों, वेट वाइप चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पैरालिसिस। ये भैंस का 4-5 दिन से ट्रीटमेंट किया गया है और फाइनली हमारे पास आई है। अब देखते हैं क्या होता है। क्या शुरू से बताओ क्या शुरू से? डॉक्टर साहब 2 दिन खांस रही थी। हाँ, तो पटेल से बोला तो बोला कि पैकेट लिया वो पाल से जाके दिवाया ना, मतलब आगे खांसे जो पैकेट दिए तो खांसी बंद हो गई इसकी। कल शाम को फिर पैकेट पटेल बोला कि फिर पैकेट दे दो ले आकर, गुड़ में पिन्नी बनाकर। गुड़ में पिन्नी बनाकर दिए तो बैठ गई, बैठ गई तो सिंगल से हम खोल दिए तो वहाँ से दौड़े दौड़े आई उधर लाठी में घुस गई। देखो इतना तोड़ के तब निकाले इसको, उसमें घुस गई तो तोड़ के बाहर निकाले, बाहर से वहाँ से निकली तो फिर यहाँ आके बैठ गई। अच्छा, तो सफेद बोतल पाल बोला पटेल बोला कि चढ़ेगा तो ले आकर कल चढ़ाया शाम को, तब ये उठ नहीं रही है। बुखार कितना था पहले से? बुखार पहले था 104 थे। हाँ, तो टीका लगाए तो बुखार उतर गया था। हाँ। अच्छा, नहीं जैसे ये कान हिलाती है ना, उठाती है, ये नहीं तब से हिला रही। पैरालाइज हम उसे कहते हैं जो भी बॉडी का पार्ट उसका ब्रेन के साथ कट ऑफ हो जाए, इनकोऑर्डिनेशन हो जाए, जो ब्रेन कह रहा है वो काम ना कर पाए, अपनी मर्जी के हिसाब से ना काम कर पाए वो पार्ट, उसे हम पैरालाइज कहते हैं। इस भैंस के हीमोग्लोबिन ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन ठीक है, सब पार्ट ठीक है, बट इसने एक कान हिलाना, एक एयर हिलाना बंद कर दिया है, दूसरे बिल्कुल गर्म है, उसमें ब्लड फ्लो पूरा है और एक का बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। जो पशु पीछे वाली टांगे उठाना बंद कर दे उसे पैरालेगिया कहते हैं, क्वाड्रिलेगिया उसे बोलते हैं, जो चारों टांगे उठाना बंद कर दे हेमिलेगिया उसे बोलते हैं, अगर एक पार्ट हिलाना बंद कर दे डायलेगिया हम उसे बोलते हैं, जो बहुत साइड ऑफ बॉडी पार्ट्स पैरालाइज हो जाए, और मोनोलेगिया हम वो बोलते हैं जो एक ऑर्गन का काम करना बंद कर दे। अब हम बात करेंगे कारण की, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। मोटर नर्व्स इंजरी हो जाए उसके वजह से भी ये पैरालाइज हो जाता है। जिस साइड का कान हिलाना इस भैंस ने बंद कर दिया उसी साइड में सांस भी नहीं आ रही नोस्ट्रिल से। सर्जरी परफॉर्म करने की वजह से कोई मोटर नर्व्स कट हो जाए उस पर भी दिक्कत आ जाती है। मेनिनजाइटिस, टॉक्सिक इफेक्ट और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए नर्व्स का तब भी ये दिक्कत आती है। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की तो इसको B12, P6 और B1 इंजेक्शन दिया जाता है जो वाटर सोलबल विटामिन हैं, और कैल्शियम फॉस्फोरस और विटामिन D3 प्रेपरेशन दी जाती है, और मैग्नीशियम की वजह से भी ये दिक्कत आ जाती है, वो भी इस बात का भी ध्यान रखना होता है। स्टीरॉइड्स दे सकते हैं हम, जिस एनिमल को पैरालाइज हो चुका है उसकी प्रॉपर बेडिंग उसकी केयर करनी चाहिए, और उस टांगों में उस बॉडी पार्ट पे तिल के तेल की मालिश करनी चाहिए, उसका भी अच्छा रिजल्ट आता है। आप अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हम रोज़ नई एक ट्रीटमेंटल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालते हैं।